Example 12. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle, with its base as breadth of the rectangular park and of altitude 12 meters. Find its length and breadth. कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं. अब हम क्या करते हैं? एक-एक सेंटेंस पढ़ेंगे और साथ में डायग्राम बनाएंगे. तब अपने को क्लियर होगा. तो लेट्स स्टार्ट. सो अ रेक्टेंगुलर पार्क. तो दिस इज सपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. ये बनाना है, हमने डिज़ाइन कर लिया, जिसकी ब्रेड्थ जो होगी इज 3 मीटर लेस देन इज लेंथ. सपोज उसकी ब्रेड्थ, सपोज हम मान लेते हैं एक्स है, तो लेंथ कितना होगी उससे 3 मीटर ज़्यादा. ये दोनों में 3 मीटर का डिफरेंस है. तो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट कि हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जिसमें ब्रेड्थ तो और लेंथ के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है. नेचुरली ब्रेड्थ कम होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, तो एक्स प्लस 3 ये हमने एज्यूम किया, ये उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली आ गई. ओके, आगे इट्स एरिया मीन्स ये जो एरिया है इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलीस ट्राइंगल. मीन्स एक पहले से एक आइसोसेलीस ट्राइंगल शेप में पार्क बना हुआ है, उसका जो एरिया है उससे इस ग्रीन वाले का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है. मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया प्लस 4, तो दैट मीन्स दिस इज द टोटल एरिया. ओके, और भी कुछ दिया हुआ है कि जो आइसोसेलीस ट्राइंगल है ना, विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. मीन्स इसका जो बेस है जैसे हमने बनाया है ये इसके ऊपर बिल्कुल मैच कर रहा है. मीन्स इसकी ब्रेथ से ट्राइंगल का बेस मैच कर रहा है. और बेस क्या होता है ट्राइंगल का, एक बॉटम वाली साइड. तो ट्राइंगल का बेस और इस रेक्टेंगुलर पार्क का की ब्रेथ बराबर है, दैट इज व्हाट इज गिवन. एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर, ये आइसोसेलीस ट्राइंगल है. मीन्स क्या हुआ, ये दोनों साइड बराबर, और इसकी अल्टीट्यूड क्या होता है, मीन्स वर्टिकल हाइट, दैट इज अल्टीट्यूड. और यदि मैं वर्टिकल हाइट ड्रॉ करूँगा तो क्या होगी, वो ऑलवेज विल बी ऑफ 90 डिग्री. तो मीन्स दिस इज वर्टिकल हाइट एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड. कितनी वैल्यू दी है, 12 मीटर. सो हमको ये 12 मीटर दी हुई है. अब नाउ इफ दिस फिगर यू हैव मेड प्रॉपरली, नाउ यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. अब आपको एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स निकालोगे तो एक्स प्लस 3 लेंथ होगी, लेंथ ब्रेड निकल जाएगा. ये आपको सब चीज़ दिए हुए हैं. आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना आता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना आता है, दोनों के बीच में रिलेशन दिए, सारे फॉर्मूला मालूम है. यू कैन ड्रॉ इट, सो यू मतलब यू कैन सॉल्व इट. तो लेट सॉल्व इट. सो वील राइट दिस वे, लेट द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर, वट दैट इज वट वी अज्यूम नाउ. सो इस लेंथ विल बी एक्स प्लस 3 मीटर्स, करेक्ट. ओके, therefore the area of the rectangular park क्या होगा, length into breadth इतना होगा. इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस 3x इतने मीटर स्क्वायर. तो इस ग्रीन वाले का एरिया मालूम चल गया. ओके, और क्या दिया हुआ है, नाउ द बेस ऑफ द आइसोसेलीस ट्राइंगल कितनी होगी, x मीटर, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, इसी के ब्रेथ के बराबर है, तो ये x मीटर है. दैट मीन्स आई नो द x, इसकी हाइट, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेगा, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल भी कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज x, हाइट इज 12, दैट इज 6x मीटर स्क्वायर. तो ये एक ना मल्टीप्लीकेशन है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज में होता है. तो या तो आप डॉट लिख लिया करो, जब भी आप x लिख रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट डॉट. तो 6x मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आ गया. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो इनके बीच में लिख दो, तो अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट x square plus 3x क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 6x plus 4, दैट इज 4 प्लस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज वट इज गिवन. अब हमारी देखो एक ये इक्वेशन बन रही है. अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, एक साइड में ले आओ, तो वट वी हैव इज x square minus 3x minus 4 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. हमको देखो कोफिशिएंट मालूम है, a मालूम है, -3 मीन्स b मालूम है, -4 मीन्स c मालूम है, और हमको फार्मूला भी मालूम है. तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. व्हाट वी विल गेट, एक्स इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac. उसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू होगी, 25 / 2a, a इज 1 2. अब इससे एक्स की दो वैल्यू आ गई, सॉल्व इट. 25 का स्क्वायर क्या था, 5 का स्क्वायर होता है, दैट इज स्क्वायर रूट कितना होगा, 5. और एक्स विल भी कितना, आइदर इट इज 4 और एक्स इज इक्वल टू -1. अब ब्रेथ है, हमने एरिया बनाना था, पार्क बनाना था, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती. सो वी विल राइट कि बट एक्स कैन नॉट बी 0, वाई, बिकॉज ये हमारे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो
गार्डन बनेगा ही नहीं, हमारा पार्क बनेगा नहीं, देयरफॉर एक्स इज ऑलवेज 4, एंड इफ एक्स इज 4 तो लेंथ कितनी होगी, उससे 3 ज़्यादा, दैट मीन्स लेंथ विल बी 7, सो विल राइट द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 4 मीटर एंड इस लेंथ विल बी 7 मीटर. सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. आपने क्या किया, आपने 9th क्लास में जो एरिया पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेथ वो यूज़ किया, ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, और जो इक्वेशन दी हुई थी उसको प्रॉपरली एक शेप में लिखा. जब आपने एक प्रॉपरली शेप ड्रॉ कर ली तो आपने आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व कर लिया, बाकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ किया एंड यू गेट द आंसर. तो है ना कितना इजी. ओके.